स्ट्रक्चर ऑफ द बजट रेफर्स टू द कम्पोनेट्स ऑफ बजट मतलब ये दोनों सेम होते हैं ठीक है जो कॉम्पोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर हैं वन एंड सेम थिंग होती है अगर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर लिखा हो या कॉम्पोनेंट लिखे हों तो वन एंड सेम थिंग है गवर्नमेंट बजट एक्चुअली दैट हैज बिन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दो पार्ट होते हैं दो कॉम्पोनेंट होते हैं बजट रिसीट्स एंड सेकेंड इज बजट एक्सपेंडिचर पहले बजट रिसीट को डिस्कस करते हैं बजट रिसीट रेफर टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द दोर्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर मतलब गवर्नमेंट की वो सारी मनी रसीद जो फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट ने रिसीव करनी होती हैं और बजट उनको ही बजट रसीद जो है वो कहते हैं नालों के बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स रेवेन्यू रेवेट्स एंड कैपिटल रसीट्स रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रसीद्स रेवेन्यू रिसीट्स

रेवेन्यू रिसीट्स आर दो रसीट्स जिनको जिनको ये दोनों कंडीशन के साथ हम लोगों ने पढ़ना है दीज रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन दीज रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिस्काउंट रिसिव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स रेंट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड बैलेट्स रिकवर्ड डिविडेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा ये सारी एग्जाम्पल जो मैंने बोली हैं इन इनसे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है जिससे पैसा वापस देना पड़ेगा और ना ही एसेट में कोई रिडक्शन होता है दोनों कंडीशन ये सेटिसफाई करती हैं तो ये रेवेन्यू रसीड्स होती हैं रेवेन्यू रसीड्स के अगर सोर्सेस की बात करें तो रेवेन्यू रसीद के जो सोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रिसीड्स मतलब जो गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में इम्पोज करके लेनी होती हैं एंड नॉन टैक्स रिसीड मीन्स टैक्स के अलावा फ्रॉम अदर सोर्सेज जो गवर्नमेंट को इनकम है वो होती है अब इनकी एग्जाम्पल्स देख लें टैक्स रिसीड्स एंड नॉन टैक्स की तो टैक्स रिसीड्स इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स इस्टेट ड्यूटी गिफ्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी जी एस टी एंड नॉन टैक्स फीस फाइन एस चीट सोशल स्पेशल असेसमेंट इनकम फ्राम द पब्लिक एंटरप्राइज इनकम फ्राम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक टू जी एंड थ्री जी एंड ग्रांट और डोनेशन ये सारी एग्जाम्पल्स हैं अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं नाउ लेट्स एक्सप्लेन द टैक्स एंड नॉन टैक्स आइटम्स फर्स्ट इज द टर्न ऑफ टैक्स रिसीट टैक्स रिसीट्स आर कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट ये कंपल्सरी पेमेंट करनी ही पड़ती हैं उनको जिन पर टैक्स इम्पोज किया जाता है और टैक्स पेयर टैक्स पे करने के बदले में कुछ बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स का पैसा पब्लिक गुड्स में ही लगाया जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस देयर प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्सेस विल यू एन स्पेसिफिक टैक्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रग्रेसिव टैक्सेस प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका रेट इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता रहता है जैसे दो से पाँच लाख रुपए की इनकम है तो दस परसेंट टैक्स लगेगा और पाँच से दस लाख की इनकम हो गई तो पंद्रह परसेंट तो इनकम बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ गया रेग्रेसिव टैक्स जो है वो वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन रिच से ज़्यादा पुअर लोगों पे पड़ता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन की इनकम एक लाख रुपए है और उसको टेन परसेंट इनकम टैक्स देना है तो टेन थाउजेंड कट जाएगा और फिर भी नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे कंज्यूम करने के लिए मगर एक पुअर पर्सन जो सिर्फ फाइव थाउजेंड पर मंथ कमाता है तो टेन परसेंट कट गया फाइव हंड्रेड तो उसके पास फोर्टी फाइव हंड्रेड मीन्स उसकी इनकम कम हो जाती है और उसको कुछ ज़रूरी चीज़ों की कंजम्पशन भी काटनी पड़ सकती है तो इससे ये क्लियर है कि बर्डन जो है वो पुअर लोग हैं उन पर ज़्यादा पड़ता है नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड टैक्स और वैट जिसे हम कहते हैं एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। वैट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो वैल्यू एडिशन की हर स्टेज में पे करना पड़ता है हमने प्लस वन में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया था फर्स्ट वाला एडेड मेथड ये उसी की तरह वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं हम वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ऐसे ही हर वैल्यू एडेड की स्टेज, जो स्टेज है उस पर टैक्स लगेगा तो उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं जी एस टी वैट का एक फॉर्म है स्पेसिफिक टैक्स वो होते हैं जिनको जो किसी यूनिट के साइज़ और वेट के हिसाब से लगाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन उन पर पड़ता है जिन पर ये इम्पोज़ किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स बट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर शिफ्ट किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल जी एस टी जी एस टी टैक्स गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पर लगाती है पर अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करना पड़ता है अब तक हमने ये पढ़ा कि रेवेन्यू रिसीट में टैक्स एंड नॉन टैक्स जो है वो उन उसमें डिवाइडेड है जो रेवेन्यू रिसीट्स है टैक्स रिसीट्स हम लोगों ने पढ़ ली अब नॉन टैक्स रेवेन्यू या लॉन टैक्स रिसीट्स जो हैं गवर्नमेंट की वो पढ़ लेते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स में जो है वो ये वो रिसीट होती हैं जो टैक्स वाली नहीं होती अदर देन टैक्स होती हैं अब इनको डिटेल में डिस्कस करते पहली है फीस फीस वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट को किसी सर्विस के बदले में करनी पड़ती है जैसे बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस हो गई उसके बाद आते हैं हमारे पास फाइंस फाइन वो पेमेंट होती है जो लॉ ब्रेकर्स को देनी पड़ती है गवर्नमेंट को पनिशमेंट है लॉ लॉ वगैरह तोड़ने की नेक्स्ट है एस चीट एस चीट वो इनकम होती है जो सरकार को उस प्रॉपर्टी से मिलती है जिसका कोई वारिस नहीं होता जब सरकार को उसमें से इनकम आती है तो वो एस चीट कहलाई जाती है स्पेशल असेसमेंट स्पेशल असेसमेंट वो पेमेंट होती है जो प्रॉपर्टी होल्डर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बदले में देते हैं क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज से क्या होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है इसलिए सरकार को पैसा देना पड़ता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस वो इनकम जो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस से होती है जैसे रेलवे से इंडियन ऑयल से भिलाई स्टील प्लांट जो सरकारी कंपनियां कंपनियाँ सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से आने वाली इनकम नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक टू जी एंड थ्री जी गवर्नमेंट जो है वो टेलीकॉम कंपनीज को से फीस चार्ज करती है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने के बदले में ऑक्शन होती है टू जी और थ्री जी एयर वेब्स की तो ये सेल uh, की रसीद होती हैं जो गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी से रसीद करती है ग्रांट एंड डोनेशन जब नेचुरल क्लामिटी आती हैं तो जनरल पब्लिक ग्रांट एंड डोनेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को इसको भी गवर्नमेंट की इनकम का जो पार्ट है वो माना जाता है जैसे एट प्रेजेंट ड्यू टू कोरोना वायरस मैनी सेलिब्रिटीज आर पेइंग मनी इन द फंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रांट एंड डोनेशन दिस जो हम पढ़ रहे थे इनकम की जो सरकार की इनकम की रिसीट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो इनका जो मीनिंग है वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है और उनको ध्यान से याद रख लेना है क्योंकि ये वन मार्क में क्वेश्चन में आ सकते